भी आ गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लोकल न्यूज है, ठीक है। इसको क्या है, ये फैक्ट है, ये सारा इन्होंने फैक्ट्स में एक्सप्लेन किया, इसको देखना है तो देख, नहीं तो छोड़ देना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द लीगलिटी ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस, यस, ठीक है। देखिए अभी क्या चल रहा है नीचे, इसको पढ़ना है तुमको कि अभी क्या हुआ, क्या है प्रेजेंट कंडीशन, क्या है और इसके इंप्लीकेशंस क्या है और फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन एक बनता है जो शुड वी ग्रांट अ कंप्लीट स्टेटहुड टू द दिल्ली और इट शुड बी रिलाइड ऑन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है कि दिल्ली क्योंकि कैपिटल है ना, तो उसको स्टेटहुड कंप्लीट देना चाहिए या अभी यूटी है ऐसे रेंज है या और ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देयर इज अ कंप्लीटली टसल गोइंग ऑन और रिसेंटली इट इज अ केस रिलेटेड विद द गवर्नर डिसीजन, ठीक है, अपॉइंटमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफिसर्स गवर्नर डिसीजन, दे आर ब्रीचिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थ्रू द ऑर्डिनेंस, सो दिस इज द नथिंग बट लूप होल, दे आर यूटिलाइजिंग द लूप होल्स, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव सिस्टम, दैट मीन्स अवर एक्ट्स आर द दैट मच नॉट strong or the powerful one to tackle this one. So is it the practice only in the India or is it a western practice as well? ठीक है, ये भी है, जैसे best example क्या है, एक UK में practice है, UK में क्या है, एक sunset clause है, पता है कुछ sunset clause, ठीक है, वहाँ पे एक practice है sunset clause रहता है, कोई भी act अगर समझो अभी 2023 में एक कोई उन्होंने act बना दिया तो यहाँ पे एक sunset clause लगाया जाता है जो कि इस act only valid till the 2050. That means you have to amend it in the or need to bring a new law in the 2050 itself to carry forward after the 2051. India में ऐसी प्रैक्टिस है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचा जा सकता है का? तो इस हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। Next, this is the keyword. Inflation देखा है, deflation देखा है, disinflation देखा है, ये क्या है, greedflation. So this is majorly linked with the your GS. That current inflation is based on your greed of the, ठीक है, फिर यहां पे किसको लिंक होगा, बुद्धा, greed is the sole cause of the sorrow, so you need to follow the eightfold path to achieve happiness, that is Bhutan example, सही है। So in this way you should pick up a key one from the newspaper. अभी नीचे तो वही दिया होगा, ठीक है, तो नीचे का कुछ इंपॉर्टेंट है कि इतना नहीं, इतने ऊपर से समझ आता है कि क्या गड़बड़ है थोड़ी, ठीक है, तो इस थ्योरी का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर वही डिफरेंशिएशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द बेंथम एंड द इमैनुअल कांत, ठीक है, यूटिलिटेरियन कैपिटलिस्ट अप्रोच वर्सेस द सोशलिस्ट अप्रोच, ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये क्या है, नो योर इंग्लिश, तो ये तो तुमको पता है। नेक्स्ट, सिचुएशन इंप्रूविंग इन द मणिपुर थ्रू द स्लोली स्टेट एंड द टेल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मणिपुर इश्यू ऑन गोइंग इश्यू लाइक द यूसीसी एंड द अदर वन, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर इट द ओनली वंस, ठीक है, बाद में फिर उसको छोड़ देना है, एक बार नोट्स प्रिपेयर कर दिया, बाद में उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। देन वुमेन आर स्ट्रगलिंग एट द रिलीफ कैंप्स राइट ग्रुप्स, सो दिस इज वॉट केस स्टडी और द एग्जाम्पल फॉर यूर, ठीक है, राइटिंग 370 हो गया, SEO खत्म हो गया, ठीक है, इंडियन रिफाइनरी पेयरिंग ये भी हो गया, ये इसका कुछ काम नहीं है, लैंड फॉर जॉब्स, ठीक है, लेकिन इनका केस पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 साल के बाद ज़्यादा अगर सजा हो गई तो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं हो सकता, सो दिस इज द केस, इसके लिए ये एग्जांपल तुमको पता चाहिए, ठीक है। देन अनिल अंबानी ईडी पता कुछ काम नहीं है, अपोजिशन क्वेश्चन द सिविल कोर्ट डिलीबरेशन, सो दिस इज द इशू, मेजर इशू फॉर आवर प्रिपरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी अपोजिशन का क्या रोल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सच में अच्छा है या नहीं है, सोसाइटी में एकदम से लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इंडिया में है या बाकी भी सोसाइटी में है ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए कुछ और अलग प्रोविजंस है क्या। विद इन इंडिया गोवा का क्या केस है, गोवा में ऐसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन क्या डिफरेंस है वहाँ के कोड में, अपने कोड में क्या हो सकता है डिफरेंस, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें तुमको यहां से देखनी है, ये सिर्फ एक टॉपिक है, बाकी ठीक है, बाकी छोड़ दो। अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिट किया होगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मुंह, ठीक है, उनका क्या कहना होगा, अभी उसका डिलीबरेशन नहीं करना चाहिए, इट इज कम्प्लीटली अ
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू, यही कहा होगा उन्होंने, दूसरा कुछ कहा नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे इश्यूज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जो सेंसिटिव हो। ठीक है, फ्रॉम द इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह सकते हैं अपन इसको, कि कोई भी रिफॉर्म अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो क्या उसको टॉप डाउन मैनर में इंप्लीमेंट करना चाहिए या बॉटम अप में। लाइक टॉप डाउन रिमूवल ऑफ द 370, ये तो आ ही नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर बॉटम अप से गए थे तो ये नहीं हो सकता था। लाइक द रिफॉर्म इन द थ्रू लेजिस्लेशन लाइक द सती हुई है विडो रिमैरिज वाला पुराने एक्ट, सोसाइटी की वजह से आते थे तो उसको और 100 साल लगते थे। दैट मीन्स सर्टन रिफॉर्म नीड टू द इम्पोज ऑन द सोसाइटी। ठीक है, एंड सर्टन रिफॉर्म शुड बी फ्रॉम द बॉटम अप, इट शुड बी एक्सेप्टेंस लाइक दिस LGBTQ। ठीक है, एक्सेप्टेंस चाहिए सोसाइटी में अभी कुछ ना कुछ, नहीं तो फिर उसका रिबेलियन होगा। ठीक है, तो ऐसे फिर ये रिफॉर्म कौन सी इसमें आता है ये तुमको सोचना है, क्योंकि ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मोर रिजल्ट टू फाइट BJP, कुछ काम नहीं है ये, नहीं ये नहीं, हो गया पेज खत्म, ये नहीं, कंप्लीटली पॉलिटिकल न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन एरर लेड टू द, अभी ये इंपॉर्टेंट है क्या दिस? यस, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर द यूर इथिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इथिक्स, दैट इज अ ह्यूमन एरर। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली लिंक विद द प्रोबिटी इन गवर्नेंस, यूर इंटीग्रिटी, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग यूर इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड दैट इंटीग्रिटी लेड टू द लॉस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइव ऑफ द मल्टीपल पीपल्स, इट इज ये कुछ काम का है क्या? नहीं, अंदर कुछ काम का नहीं है, सिर्फ हेडिंग इतना ही काम है अपने को। ठीक है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे केस स्टडी एंड एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, नहीं तो तुम ये पढ़ते बैठे हो क्या हुआ, कब हुआ, कितने टाइम में हुआ, किसका क्या, कुछ काम का नहीं है। इस हिसाब से ये न्यूज़पेपर 45 एक घंटे में पढ़ा जा सकता है ऐसे किया तो, नहीं तो इसको तो पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू लोको पायलट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस, अभी सेम है ये, दो एग्जाम्पल हो गए, इसका मतलब इसका कुछ काम है क्या? नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तो होती रहेगा ऐसे छोटे छोटे, यानी ये छोटा है तो बड़ा ही एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत आएंगे, तो एक एग्जाम्पल सफिशियंट है ये किस पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर अनाउंस स्कीम्स टू सपोर्ट द माइनर रेप विक्टिम्स, डेफिनेटली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? पॉक्सो एक्ट, इसके ऊपर क्योंकि डिबेट चल रहा है। ठीक है, प्रोविजन के ऊपर तो तुमको वो देखना है। इन फ्यूचरिस्टिक टेक्स सेवी सुप्रीम कोर्ट माउस आउटसाइड द कैवल, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज द ई गवर्नेंस, कंप्लीटली रिलेटेड विद द ई गवर्नेंस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ई कोर्ट भी बना दिया उसको ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ठीक है, कंप्लीटली ई कोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंदर कुछ होगा क्या? उसके अंदर क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय द सुप्रीम कोर्ट, इतना ही होगा। और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी? फोर्थ जनरेशन वाली, ठीक, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वही सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूजलाइज की होगी, तो इसका कुछ काम नहीं है। हो गया, फिर क्या क्या यूज करेंगे वो? CCTV वगैरह ये यूज करने वाले, ज्यादा कुछ क्या करने वाले यूज? ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन यूज करेंगे। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, चलो हो गया ये भी। नेक्स्ट, दिस इज द वर्ल्ड, इसराइल टारगेट्स वेस्ट बैंक विद ड्रोन्स एंड ट्रूप्स किलिंग 8 Palestinians, ये न्यूज काम का है क्या? फ्रॉम द मेंस, अंदर कुछ काम का है क्या? नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दैट UPSC आस्क मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, और मेजोरिटी फ्रॉम द मैप बेस्ड, उन्हें वेस्ट बैंक के बारे में भी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तुमका, तुम्हारा क्या यूटिलाइज करना है? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे क्या लोकेशन, वेस्ट बैंक है कहाँ पे, कहाँ पे टच होता है, इसराइल की बॉर्डर किसके साथ होती है। रिसेंटली इन द लास्ट 2 years न्यूज़पेपर दे आस्क अबाउट द, वन इज द यूक्रेन एंड सेकंड अफगानिस्तान। 2022 आस्क अबाउट द बॉर्डर्स विद द अफगानिस्तान एंड 2023 बॉर्डर्स विद द यूक्रेन, द सेम विल हैपन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं इतना। नेक्स्ट, यूक्रेन क्लेम्स टू हैव द, ये भी काम का है क्या? कुछ भी काम का नहीं है, गया ये भी। नेक्स्ट, मेयर्स होल्ड एंटी राइट्स रैलीज इन फ्रांस, अभी ये देखो, दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी इज दैट मच मैच्योर। ठीक है, यहाँ पे तो एक हिसाब से इतना सारा रायट हो रहा है, और रायट तो हो रहा है, लूटिंग भी हो रहा है।
ठीक है, जो वेस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडियन सोसाइटी और द एशियन सोसाइटी बार्बेरिक वन, अनइथिकल वन, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द अदर एंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंपेरिजन एग्जाम्पल, और जीएस वन में है ये, ठीक है, जीएस वन में भी है और सोसाइटी में भी है। देन इतना ही बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। चाइना सिक्स एक्सपांड कोऑपरेशन विद द रशियन नेवी, पता है तुमको सबको, ठीक है। चाइना टू स्टे आउट ऑफ लंकास डेप्ट प्लेटफॉर्म, कुछ काम का नहीं है अपने लिए, ठीक है। सिर्फ इतना पता चाहिए कि हाँ श्रीलंका में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, एंड नेबरिंग स्टेट्स लाइक द पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, दे आर फेसिंग द पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, ठीक है। इसको लिंक करना तो फिर पूरा सिलेबस भी लिंक हो सकता है, बट इंडिया इज एक्चुअली हैविंग द मैच्योर डेमोक्रेसी एंड द स्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, बस इतना ही चाहिए, हो गया। इस पेज पे तो कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेज फॉर द यूपीएससी बिकॉज दिस इज द ओनली पेज हैविंग द इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन इकोनॉमी रिलेटेड एक ही पेज मिलेगा वैसे। अभी यहाँ पे देखना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इज इन जून, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, व्हाट इज पीएमआई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, फ्रॉम द प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीएमआर क्या है, क्योंकि इस हिसाब से तुम्हारे भरपूर बहुत सारे इंडेक्स है ना, दैट इज अ कौन कौन से है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, देन सीआई, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमको देखना है कि क्या क्या है फिर, ठीक है। तो फिर वही है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी का ये की है, इन्फ्लेशन को सब कुछ लिंक होता है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन क्यों है, क्या है, कॉस्ट पुश क्या है, फिर डिमांड पुल क्या है, फिर डॉलर का इम्पैक्ट क्या रहेगा, फिर डेप्टर पे क्या, क्रेडिटर पे क्या, ये सारी चीज़ें सारे इन्फ्लेशन को लिंक होती है। तो ये आरबीआई रिपोर्ट्स 76% ऑफ द रुपीज 2000 नोट्स रिटर्न, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी होने वाला है वो रिटर्न, 100% होने वाला है कुछ दिन में, तो ठीक है, हो गया। फिर ये रिलायंस जियो इंट्रोड्यूसेस 999 इंटरनेट इनेबल फोन्स, है क्या कुछ इंपॉर्टेंट, कहीं लिख सकते हैं इस एग्जांपल को, कुछ वैसे लिंक करना तो पूरा सिलेबस लिंक होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिजिटल एम्पावरमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। परचेसिंग इजी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी आ रही है यहाँ से, लेकिन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास बाकी भी एग्जाम्पल है इससे अच्छे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। ये भी गया होंडा कार्स गया, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर्स टू रेज प्राइसेस ऑफ द बीवीज फॉर्म जुलाई वगैरह कुछ काम है, नहीं गया, ठीक है। देन द देश आईडीएफसी लिमिटेड सेड टू मर्ज विद द कुछ काम है, नहीं सिर्फ एग्जांपल है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट सेंसेक्स हिट्स न्यू पीक, ठीक है, काम है इसका, ये नीचे कुछ काम का नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसके रीजंस पता चाहिए कि व्हाई दिस हैपनिंग, ठीक है, इन इंडिया व्हाई न्यू जनरेशन स्पेशली टिल्टिंग टूवर्ड्स द दिस शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है। सेंसेक्स नथिंग बट अ शॉर्ट टर्म गेन, ठीक है। व्हाट इफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग फॉर द सेंसेक्स, व्हाट अबाउट द दिस मैन्युफैक्चरिंग वन, दिस इज कंप्लीटली अ वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट, सही है ना। एंड दिस हाउ मच वोलाटाइल इट इज दैट वन रिपोर्ट कैन क्रिएट अ लॉस ऑफ द लैक्स ऑफ द क्रोर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है। सो ये तुमको यहां से आना चाहिए सोचते हुए कि डू वी नीड सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंटल मॉडल्स और नीड अ सस्टेनेबल वन, ठीक है, उतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं वहां पे भी। नेक्स्ट एमआरएफ बेड्स एक्सपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे काम का क्या है, ईवी दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, एज अ मेजर मार्केट फॉर द इंडिया, फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेजर मार्केट भी है, लेकिन मैन्युफैक्चर है क्या इंडिया, नहीं, वाई, बिकॉज ऑफ कैसे लिंक करना है इसको, डिपेंडेंसी, विच टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इशू, हु इज डोमिनेंट प्लेयर, चाइना, दैट इज डिपेंडेंसी ऑन द चाइना, दैट्स वाई द डिले इन द दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड, क्या कह सकते उसको, डिलीवरी ऑफ द मल्टीपल व्हीकल्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन,
ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, वो अभी भी रिवाइव होने हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से उसको लिंक करना है, बस उतना ईवी वाला। एंड इसका इंपॉर्टेंस फिर इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, लेकिन अभी उसको फिर इंडिया के हिसाब से कैसे लिंक कर सकते हैं ईवी को, इतना ही। अगर तुमको ऐसा कुछ आ गया ईवी को, डू वी हैव द अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट कितना है, 20 लाख 30 लाख, ठीक है, मिनिमम मुझे लगता है 16-17 लाख है। अफोर्डेबिलिटी है क्या, नहीं है क्या? सेकंड, अवेलेबिलिटी, दोनों भी नहीं है अभी। फिर ये अफोर्डेबिलिटी कैसे की जा सकती है, कैसे बना सकते हैं? अभी तो सिर्फ अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको खरीद सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं इसको? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन इससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो तुमको क्या करना चाहिए डोमेस्टिक के लिए? रिसर्च, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको क्या चाहिए? आरएनडी। आरएनडी में क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसके लिए चाहिए? दोनों, एक ह्यूमन भी और एक कैपिटल भी, ठीक है। और आरएनडी के लिए क्या लगेगा? इंफ्रा, ठीक है, इसके लिए भी क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट। और ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? अल्टीमेटली एजुकेशन। सो टॉप क्वालिटी एजुकेशन है क्या? क्योंकि अभी का रिपोर्ट है, ठीक है, पहले 200 यूनिवर्सिटी में इंडिया का कितना है? दो ही यूनिवर्सिटी है सिर्फ, ठीक है, वर्ल्ड वाले इसमें, ठीक है, दैट मीन्स एजुकेशन भी नहीं है। और एजुकेशन भी इतना टॉप एजुकेशन चाहिए तो कहाँ पे कहाँ से आ रहा है? दैट इज प्राइवेट कॉलेजेस। पब्लिक में तो कोई जा ही नहीं रहा है, दैट मीन्स अल्टीमेटली दिस प्राइवेट ऑल्सो लिंक विद द कहाँ गया अफोर्डेबिलिटी। दिस इज द लिंकेज ऑफ द सिलेबस। एक पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे तुम लूप होल में लिंक कर सकते हो, ठीक है, समझा? नेक्स्ट, बस हो गया स्पोर्ट। लेकिन स्पोर्ट पढ़ना है अभी, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट के ऊपर हर साल अभी क्वेश्चन आ रहा है, निग्लेक्ट नहीं कर रहा। सारे लोग कहेंगे कि इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट का सेक्शन छोड़ना नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देना है। कौन से देखना है? नेशनल लेवल पे अगर कोई गेम हुआ जिसका इंपॉर्टेंस है बहुत अभी, ठीक है, और मोस्टली इंटरनेशनल वन। कुछ अगर नया आ रहा होगा तो ठीक है, फीफा का कुछ हो गया, या फिर चेस का, अभी ओलंपियाड पे क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, तो चेस हो गया, अभी ओलंपिक आएगा, अभी उनका गोल्ड मेडल आ गया अपने पास, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ना उसके, अभी फीफा में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि रैंकिंग बहुत हाई हो रही है इंडिया की, अभी एक दो कोई कप भी लेके आए अपन, ठीक है, तो उसके हिसाब से उतना स्पोर्ट देखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, बाकी तो फिर ज्यादा कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और कौन नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन, अगर कोई भी इवेंट हुआ उसका इंटरनेशनल चैंपियन कौन बना और किस हिसाब से हुआ, वो तो तुमको देखना है। जैसे उन्होंने क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, अभी भी हुआ इस साल भी, ठीक है, और इस साल दो वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो उसको तुमको देख लेना है। नेक्स्ट सेम स्पोर्ट, लास्ट इज अ सेम स्पोर्ट एंड द साइंस वन। साइंस देखना है क्या? यस डेफिनेटली, साइंस के ऊपर तुमको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि साइंस का न्यूज करंट का जो होगा उसी हिसाब से मेंस में क्वेश्चन आएगा या फिर प्रीलिम में आएगा, ठीक है। स्टैटिक का पार्ट कम पूछा जाता है क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट ज्यादा है, साइंस से टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस टू द साइंस दिस पेज। और मोस्टली क्या दिया है? ये स्पेस, ठीक है, स्पेस रिलेटेड इश्यूज जो हो गया ना, अभी चंद्रयान 3, ठीक है, वो लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए स्पेस रिलेटेड मिशंस में, दैट मींस इट इज आल्सो क्रिएटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट भी, एंड इंडिया के ऊपर रिलायबिलिटी भी ज्यादा है, वेस्ट वाले रिलायबल है इंडिया को बिकॉज ऑफ द सक्सेस रेट एंड द अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द न्यूज पेपर ऑफ द हिंदू 4 जुलाई, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच।